हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपना पीएफ का पासबुक को कैसे चेक कर सकते हैं। पासबुक के अंदर आपका टोटल पैसा कितना है पीएफ का, पीएफ में आपका टोटल जो है दोस्तों वो एम्प्लॉई शेयर आता है, एम्प्लॉयर शेयर आता है, इंटरेस्ट का पैसा आता है और साथ में पेंशन का पैसा आता है। तो उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपका पासबुक आप कैसे देख सकते हैं, तो आपको मैं ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ अपना खुद का यूएन नंबर और पासवर्ड डाल करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको टाइप करना है ईपीएफओ। ठीक है, क्या टाइप करिएगा? ईपीएफओ आपको टाइप कर लेना है। देख सकते हैं मैंने ईपीएफओ टाइप कर लिया है और आपको इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों पहले नंबर पे ही इसका ऑफिशियल साइट आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं www.epfindia.gov.in। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और यहीं पे आपको एक देखने को मिलेगा ऑप्शन ईपीएफओ मेंबर पासबुक। ठीक है, तो सिंपली आपको ईपीएफओ मेंबर पासबुक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नए पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब दोस्तों बेटर व्यू के लिए आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है ये अपडेट नहीं है आपका, में शायद यहाँ पे थ्री डॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है डेस्कटॉप साइट का। आपको डेस्कटॉप साइट वाला जो चेकबॉक्स है इसमें टिक कर देना है। आपका जो फ़ोन होगा दोस्तों वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा भी मोबाइल फ़ोन यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में ओपन हो रहा है। अब दोस्तों फाइनली यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ये डाल देना है। उसके बाद पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। आगे दोस्तों ये कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लें और फिर साइन इन का बटन है साइन इन कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं फाइनली यहाँ पे अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे सारा डिटेल को फिलअप कर लिया है। अब चलिए साइन इन का बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। साइन इन ये हो रहा है दोस्तों, फाइनली हमारा जो पासबुक है ये ओपन हो चुका है। अब इसमें से आपको पासबुक कैसे देखना है मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये फाइनली कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर वाइज बैलेंस दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो जो जो कंपनी में आप काम किए होंगे वो सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मेंबर आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने एक ही कंपनी के अंदर काम किया है तो यहाँ पे मेरा मेंबर आईडी शो हो जाता है और हमारा जो अवेलेबल बैलेंस है वो जीरो है। क्योंकि दोस्तों मैंने कुछ ही दिन पहले ही अपना सारा पीएफ का पैसा निकाल लिया था, तो आपका यहाँ पे पीएफ का पैसा शो हो जाएगा कि कितना पीएफ का पैसा अभी आपका है। ठीक है, हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखिए थ्री लाइन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और फिर दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है पासबुक का। ठीक है, इस पासबुक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपके पासबुक के ऊपर डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पासबुक का ओवरव्यू आपको दिया गया है, यहाँ पे आपका मेंबर आईडी दिया गया है। तो फिर दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए, मैं कुछ दिन पहले ही अपना सारा पीएफ का पैसा निकाल लिया था। मेरा जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन था यानी कि मेरा सैलरी से जो कटा था दोस्तों वो 3824 रुपया था, जबकि कंपनी 1172 रुपया जमा की थी और साथ में इंटरेस्ट का जो पैसा था वो 3109 रुपया था। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 8105 रुपया हमारे खाते में जो है वो सबमिट खाते के अंदर क्रेडिट कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सिंपली जो है आप लोग अपना चेक कर सकते हैं आपका कितना पैसा है। अभी देख सकते हैं ये 2023 का हमारा पासबुक है। ठीक है, 2023 के अंदर हमारा पासबुक में टोटल एम्प्लॉई शेयर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, आप अगर यहाँ पे ये लाइन को देख पा रहे होंगे तो ठीक है, ये आपका एम्प्लॉई शेयर है। एम्प्लॉई शेयर का मतलब होगा कि आपका जो सैलरी से कटा है ये आपका टोटल 12% कटता है सैलरी से। वहीं दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये एम्प्लॉयर शेयर है यानी कि जो कंपनी आपके खाते में जमा करती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपका कितना एम्प्लॉई शेयर है। उसके बाद यहाँ पे पेंशन का शेयर, देखिए पेंशन कुछ पेंशन का भी पैसा आपका जमा होता है, तो ये पेंशन का देखिए 2652 रुपया मेरा है। ठीक है, एम्प्लॉई शेयर के रूप में 1864 है, वहीं एम्प्लॉई शेयर के रूप में हमारा 6080 रुपया है। तो ये 2023 का है दोस्तों। इसी प्रकार से मान लीजिए 2022 का पासबुक देखना है तो 2022 के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो 2022 के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉई शेयर आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब आपका सैलरी का कितना कटा हुआ है और एम्प्लॉई शेयर यानी कंपनी कितना दिया हुआ है और पेंशन का पैसा कितना जमा हुआ है। ठीक है, ये सारा डिटेल्स आप प्रत्येक वर्ष का देख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे
इसे पीडीएफ के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड एज पीडीएफ का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर यदि आप क्लिक करते हैं ना, तो आपका जो ये टोटल पासबुक है दोस्तों, वो पीडीएफ के फॉर्म में आप डाउनलोड भी हो जाता है, उसे आप माई फाइल्स में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अपना पासबुक देखने के लिए आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।